नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काली नाइट्रिकम के बारे में जानकारी दूंगा जो कि किडनी फेल्यूर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काली नाइट्रिकम यह मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और इसे हम नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम भी बोलते हैं, जो कि किडनी फेल्यूर के लिए, क्रॉनिक रेनल डिसीजेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन 1.25 से ज़्यादा है और उससे काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपका यूरिया 42 या 40 से ज़्यादा है, और अगर आपका GFR कम होते जा रहा है, और अगर आपका हीमोग्लोबिन भी कम होते जा रहा है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और यूरिन आउटपुट मतलब पेशाब जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, तो आपको क्रॉनिक रेनल फेल्यूर की प्रॉब्लम चालू हो गई है और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और धीरे धीरे आप डायलिसिस की ओर जाएंगे और आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा और आपकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है दोस्तों। जब से मैंने एक वीडियो डाला था एल सीरम का, और एल सीरम भी किडनी फेल्यूर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसे लगातार लेने से जो यूरिया और क्रिएटिनिन है वो कम होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता है और किडनी जो है वो धीरे धीरे काम करने लगती है। उसी वीडियो के चलते आप लोगों ने बहुत मैसेज किया, मैंने उसमें बहुत सारी मेडिसिन आप लोगों को दी और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, और एक जो मेडिसिन है वो मैंने ऐड की तो और अच्छे रिजल्ट्स मिले, और वो है काली नाइट्रिकम। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका एक्शन कि हमारे शरीर पर करती क्या है, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा, और सबसे लास्ट में ये बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज़ करें, किस पोटेंसी में यूज़ करें और कहां पर ये आपको मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। दोस्तों, इसका एक्शन हमारे शरीर में दो तरह से होता है। एक तो ये अस्थमा के लिए, और ख़ासकर अगर आपको हार्ट डिसीज़ है और हार्ट कमज़ोर होने के कारण आपकी सांस फूलती है, जिसको हम कार्डियक अस्थमा भी बोलते हैं। तो अगर आपको कार्डियक अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये हार्ट को मजबूत करती है और कार्डियक अस्थमा और सांस लेने में जो तकलीफ होती है, सांस जो फूलती है, उसे ये ठीक करती है। दूसरा, ये किडनी में जो GFR है उसे ये बढ़ाती है, और किडनी जो श्रिंक हो रही है, जो किडनी छोटी पड़ रही है, उसे वहाँ पर रोकती है, और धीरे धीरे आपका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल करने में बहुत ही मददगार मेडिसिन है। तो किडनी में असर करती है और हार्ट में असर करती है, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है काली नाइट्रिकम। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर कोई पेशेंट अचानक से एकदम से सूज जाए, सूजन आ जाए उसके शरीर में, उसका चेहरा सूज जाए, उसकी आंखें सूज जाए, उसके हाथ पैर सूज जाए, पैरों में सूजन आ जाए, जिसको हम ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन एकदम से अगर हो, लगभग 10-12-15 दिन के अंदर में ही उसे शरीर में सूजन आए, तो काली नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उसके लिए। चाहे वो कार्डियक के कारण हो, मतलब आपकी हार्ट कमज़ोर हो उसके कारण हो, या किडनी कमज़ोर है उसके कारण हो, तो दोनों कारणों से अगर सूजन आती है आपके शरीर में, तो हमेशा काली नाइट्रिकम आपको याद रखना चाहिए और यूज़ भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। दूसरा सिम्टम है सीधा किडनी से रिलेटेड, कि अगर आपको पेशाब कम हो रही हो और पेशाब में हल्की सी जलन हो, और साथ ही साथ आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता जा रहा हो, और साथ ही साथ क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ता जा रहा हो, जिसके कारण आपको चक्कर से आए, कमज़ोरी सी महसूस हो और मुंह में हमेशा कड़वापन बना रहे, तो काली नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसी के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, तो उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करती है। तो मोस्टली ये किडनी को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं कैसे हम इसे यूज़ करें। अगर आपको किडनी फेल्यूर की प्रॉब्लम है तो कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काली नाइट्रिकम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, पिक्चर आपको दिख ही रही है। 2 बूंद सुबह पिए, 2 बूंद रात में पिए, ये मेडिसिन कंटिन्यू लें, लगभग 1 महीने तक लें, और फिर अपना GFR टेस्ट कराएं, और साथ ही साथ अपना यूरिया क्रिएटिनिन भी टेस्ट कराएं। अगर कम होता है तो फिर मेडिसिन आप कंटिन्यू करें, और कम से कम इसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लें। धीरे धीरे आपका जो रेनल फेल्यूर है वो ठीक होगा। अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं तो धीरे धीरे डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, और डायलिसिस धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और उसके बाद आपका किडनी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो लगभग शुरुआत में आप 1-1.5 महीने लें,
टेस्ट कराए, अगर इम्प्रूवमेंट आता है आपको तो मेडिसिन फिर आप कंटिन्यू करिएगा जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। पोटेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। काली नाइट्रिकम 30 ही यूज़ करिए, 2 बूंद सुबह पीजिए, 2 बूंद रात में पीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ में आप एलसीरम भी यूज़ करिए। एलसीरम के बारे में मैंने पहले इस वीडियो में बताया, एलसीरम आप 7x पोटेंसी में 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। सुबह एक बार पिए, दोपहर में एक बार पिए और रात में एक बार पिए। इसके साथ आप एक NL2 ड्रॉप आता है न्यू लाइफ कंपनी का, पिक्चर आपको दिख रही है, इसे भी आप 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पिए, तीनों दवा में 10-15 मिनट का अंतर दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और दोस्तों ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएंगी या ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि manmg.com, medicinemall.com, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मंगा लीजिए, यूज़ करके देखिए, 1 महीने तक आपको आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू करिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दीजिए तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दीजिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतने, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।